कई मुद्दों को लेकर कुणाल बिहार में वैशाली के जंदाहा में गलवान के जो शहीद हैं उनके परिजनों के साथ पुलिस प्रशासन ने जो बदसलूकी की है उसको लेकर आज बिहार विधानसभा के परिसर में यहां पर हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता विधायक पूर्व मंत्री हैं वो देखिए किस तरह से यहां पर सबके हाथों में जो प्लेकार्ड्स हैं उसमें गलवान के शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल गलवान के शहीद जो बिहार में वैशाली के जंदाहा के रहने वाले हैं उनके परिजनों ने वहां पर उनकी एक प्रतिमा लगाई और सरकारी ज़मीन में प्रतिमा लगाने का को लेकर के विवाद हुआ और उस विवाद में किसी स्थानीय ने थाने में एक लिखित आवेदन दे दिया और उस पर कार्रवाई करते हुए थानेदार और अन्य जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो शहीद के घर पर पहुंचते हैं और शहीद गलवान शहीद के पिताजी को मारकर पीटकर और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें पुलिस जिप्सी में बिठाया जाता है और उन्हें जेल तक भेज दिया जाता है। आज इस मसले को लेकर बिहार विधानसभा में जिस तरह से हंगामा हो रहा है जाहिर सी बात है गलवान के शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और TV9 भारतवर्ष ने कल भी ये सवाल किया था कि क्या देश के शहीदों के मज़ारों पर जो हर वर्ष मेले लगने की बात हम कहते हैं क्या शहीदों के मज़ारों पर जब उनके परिजन वहां पर प्रतिमा बनाने और उनको सम्मान देने के लिए जो कार्रवाई हालांकि सरकार ने जो वायदा किया था उस वक्त तमाम जो बड़े नेता हों चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हों या फिर विपक्ष के हों तमाम नेता वहां पर पहुंचते हैं लेकिन उस वक्त जो वायदे किए जाते हैं वो वायदा भी पूरा नहीं होता है। ये बताइए गलवान पिताजी के साथ जो है बिहार की पुलिस दुर्व्यवहार करती है मारती है जेल भेज देती है। रक्सौल में जो सेना के जवान है वो अपनी पत्नी को परीक्षा दिवाने जा रहा है उसके साथ दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है उसको जेल भेज दिया गया झूठा मुकदमा करके। मंत्री जो है सेना के खिलाफ बयान देते हैं ये सरकार का जो प्रभाव है समाप्त हो गया और ये पुलिस इनकी पीटती जा रही है अपराधियों के हाथ से और ये सेना के जवानों को पीट के अपने को बहादुर साबित करना चाहते हैं। क्या अंदर भी विरोध उठेगा। देखिए गलवान घाटी के शहीद के पिताजी के साथ हुआ रक्सौल में जो शहीद जो जवान थे उनके साथ दौड़ा दौड़ा के पीटा गया इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इनके मंत्री जो है सेना के खिलाफ बयान देते हैं जितना भी विरोध किया जाएगा वो कम होगा। इनके पुलिस का जो है प्रभाव खत्म हो गया ये अपराधी से पिटाते हैं और सेना के जवान को पीटते हैं जवान के उनके परिजनों का अपमान किया जाता है। तो जिस तरह से नारा लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक या संपूर्ण विपक्ष कि शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और ये मसला अब बिहार विधानसभा में सदन के अंदर भी उठेगा। जिस तरह से बाहर विरोध हो रहा है बाहर हंगामा हो रहा है परिसर में उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक आज सदन में भी गलवान शहीद के पिताजी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस मसले को सदन में भी उठानेंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार TV9।